भारत का दूसरा अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 अब लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है दोस्तों। इसे 15 जुलाई की सुबह 2:51 पर लॉन्च कर दिया जाएगा। इस मिशन से चांद के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलेगी। मिशन के लिए GSLV मैक 3 का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। क्या है चंद्रयान 2 मिशन, क्या है इसके उद्देश्य, कहाँ जाएगा चंद्रयान, आइए इस सभी प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं दोस्तों। अगर चंद्रयान 2 से चांद पर बर्फ की खोज हो पाती है तो भविष्य में यहाँ इंसानों का प्रवास संभव हो सकेगा दोस्तों। इससे यहाँ शोधकर्ता के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान में भी नए खोजों का रास्ता खुलेगा। लॉन्चिंग से 53 से 54 दिन के बाद दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग होगी और अगले 14 दिनों तक यहाँ डेटा जुटाएगा चंद्रयान 2। अब प्रश्न ये उठता है कि दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों चंद्रयान 2 जा रहा है, आइए जानते हैं दोस्तों उत्तर क्या है इसका। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई भी देश यहाँ नहीं जा सका, लेकिन यहाँ अब भारत अपने चंद्रयान 2 को उतार कर इतिहास रचने जा रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं बल्कि तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ तापमान बहुत कम होता है दोस्तों। आइए जानते हैं भारत और विश्व को इससे क्या फ़ायदा होगा। चंद्रयान 2 भारत का अंतरिक्ष मिशन है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा। इससे चांद को लेकर समझ और भी मजबूत होगी। जो भी खोज होगी उससे न केवल भारत बल्कि संपूर्ण मानवता को लाभ मिलेगा। इससे भारत में भी विज्ञानों को काफ़ी मदद मिलेगी। आइए जानते हैं चंद्रमा का तापमान क्या है। चंद्रमा का तापमान काफ़ी अधिक और काफ़ी कम होता है। चंद्रमा के जिस क्षेत्र में धूप पड़ती है उसका तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक होता है दोस्तों। यहाँ 50 डिग्री होता है तो हमारी हालत एकदम डाउन हो जाती है इंडिया के अंदर। वहीं रात के वक्त तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक जाता है दोस्तों, मतलब रात को काफ़ी ज़्यादा बर्फ ठंड पड़ती है। वैसे मैं आपको बता दूँ चंद्रयान मिशन पूरे 1 साल तक काम करेगा दोस्तों। अब आइए जानते हैं चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 से कैसे अलग है। चंद्रयान 1 के विपरीत चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यहाँ वह अपने 6 पहियों रोवर प्रज्ञान को उतारेगा। वह चांद पर काफ़ी सारे प्रयोग करेगा। चंद्रयान 1 का वजन 1380 किलोग्राम था जबकि चंद्रयान 2 का वजन 3850 किलोग्राम है दोस्तों। ये बिल्कुल ही अलग है, ये इंडिया का एडवांस मिशन है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, और मुझे पूरा उम्मीद है 101%, ये 101% सक्सेसफुल होगा, और सक्सेसफुल होते ही इंडिया पूरे विश्व में इतिहास रच देगा। थैंक यू दोस्तों।